टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों दिग्गज अभिनेता किशन की बेटी और सुपरस्टार महेश बाबू के सौतेले भाई नरेश बाबू की कन्नड़ अभिनेत्री पवित्रा लोकेश के साथ शादी की खबरें जारी हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक नरेश बाबू चौथी बार पवित्रा लोकेश से शादी करने वाले हैं। इसी बीच नरेश की तीसरी पत्नी रमाया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रमाया ने मसूरी में पवित्रा लोकेश के होटल के कमरे के बाहर जाकर हंगामा किया। रमाया ने नरेश को चप्पल से मारने की कोशिश की। इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस भी बीच बचाव करती दिखाई दे रही है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में यह भी कहा जा रहा है कि नरेश की तीसरी पत्नी ने पवित्रा लोकेश को भी चप्पल से पीटने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूदा पुलिस ने रमाया को रोका और काफ़ी हंगामे के बाद उन्हें होटल से चलता किया। उधर नरेश भी रमाया पर चिल्लाते नजर आए। अभिनेता की तीसरी पत्नी रमाया रघुपति ने आरोप लगाया है कि नरेश ने उसे तलाक के कागज़ पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी, लेकिन पवित्रा ने कहा कि नरेश एक सज्जन व्यक्ति हैं और दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। एक्ट्रेस पवित्रा लोकेश ने नरेश संग शादी की खबरों को भी झूठा बताया। वहीं नरेश का कहना है कि उनकी पत्नी रमाया को तलाक नोटिस भेजा था, उसके बाद से वह उन्हें बदनाम करने के लिए झूठी खबरें फैला रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अन्य बॉलीवुड की चटपटी खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।